हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को बनाना भी बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। कार्डिगन, लेडी जैकेट, बेबी स्वेटर, फ्रॉक, शॉल, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड कैसे दिखता है ए डिज़ाइन? जस्ट 8 रोज का डिज़ाइन है। इन्हीं 8 रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 17 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 10 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 17 प्लस 10। ए डिज़ाइन राइट साइड से स्टार्ट करना है। रो 1 आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। इस पे मैंने 17 मल्टीपल करके 17 प्लस 10 कर लिया है, टोटल 27 कर लिया है। देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही बार रिपीट करके दिखाऊंगी। फर्स्ट रो राइट साइड, फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे कीजिए, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे कीजिए। अब इस 2 फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की एक फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे करना है। फिर ये 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर से 2 फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे करना है और आगे की एक फंदा को पीछे करना है। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर ये 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे कीजिए, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे कीजिए, 9 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर 2 फंदा को ट्विस्ट किया आगे की साइड से, फिर 2 फंदा को ट्विस्ट किया पीछे की साइड से, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर 9 फंदा सीधा, 2 4 6 8 9। आपको रिपीट करना है। लास्ट में आपको 2 4 6 8 9 फंदा बचेगा। धागा आगे कीजिए, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे कीजिए। अब इस 2 फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की एक फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे। अब इस 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर से 2 फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है इस तरह से। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे कीजिए, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे कीजिए, 1 फंदा सीधा। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सेकेंड रो जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए, जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को पीछे कीजिए, 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे कीजिए, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, फिर धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे कीजिए, 9 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 2 फंदा सीधा, 1 2, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2, 9 फंदा उल्टा, 2 4 6 8 9। आपको रिपीट करना है यहाँ से। फिर लास्ट में आपको 9 फंदा बचेगा। धागा पीछे कीजिए, 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे कीजिए, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, फिर धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा आगे कीजिए, 1 फंदा उल्टा। सेकेंड रो भी सीधा पे सीधा उल्टा पुल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है।
हर रंग साइड आपको सेम रो टू के जैसा ही बुनना है। आप थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे करना है और आगे की फंदा को पीछे करना है। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल आगे से लेना है। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे, अब दो फंदा सीधा, एक दो। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से, फिर यहाँ ओवर कीजिए, एक फंदा सीधा, फिर यहाँ ओवर। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया पीछे की साइड से, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया आगे की साइड से, दो फंदा उल्टा, एक दो, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाया आगे की साइड से, यहाँ ओवर, एक फंदा सीधा, फिर यहाँ ओवर कीजिए, दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, दो फंदा सीधा, एक दो। आपको रिपीट करना है, लास्ट में आपको नौ फंदा बचेगा, धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे और आगे की फंदा को पीछे करना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। फोर रो जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए, जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, सेम रो टू के जैसा ही बुनना है। फिफ्थ रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की एक फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे। अब इस दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे करना है और आगे की फंदा को पीछे करना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से, फिर यहाँ ओवर कीजिए, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर यहाँ ओवर कीजिए। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर एक फंदा सीधा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया आगे की साइड से, दो फंदा को ट्विस्ट किया पीछे की साइड से, दो फंदा उल्टा, एक दो, एक फंदा सीधा, दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से, यहाँ ओवर, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर यहाँ ओवर कीजिए, दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, एक फंदा सीधा। आपको ये रिपीट करना है, लास्ट में आपको नौ फंदा बचेगा, धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की एक फंदा को पीछे और पीछे की फंदा को आगे करना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है इस तरह से। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर दो फंदा सीधा, एक
दो, फिर धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा एक दो, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर थ्रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सिक्स रो जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए, जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, सेम रो टू रो फोर के जैसा ही बुनना है। आप सेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए, अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे करना है और आगे की फंदा को पीछे, अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर दो फंदा सीधा एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे, फिर दो फंदा सीधा एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा एक दो, फिर धागा पीछे तीन फंदा सीधा एक दो तीन, फिर यार्न ओवर कीजिए, एक फंदा स्लिप कीजिए इस तरह से, अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से इस तरह से, अब इस स्लिप किया फंदा आगे के एक फंदा के ऊपर ऐसे पास ओवर करना है, फिर यार्न ओवर कीजिए एक बार, तीन फंदा सीधा एक दो तीन, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा उल्टा एक दो, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया पीछे की साइड से, दो फंदा को ट्विस्ट किया आगे की साइड से, दो फंदा उल्टा एक दो, तीन फंदा सीधा एक दो तीन, फिर यार्न ओवर कीजिए, तीन फंदा को एक फंदा बनाना है, फिर यार्न ओवर, फिर तीन फंदा सीधा एक दो तीन, आपको ये रिपीट करना है, लास्ट में आपको नौ फंदा बचेगा, धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा एक दो, फिर धागा पीछे, अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे और आगे की फंदा को पीछे करना है, अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर दो फंदा सीधा एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल आगे से लेना है, अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर दो फंदा सीधा एक दो, फिर धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा एक दो, फिर धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, सेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप एट रो जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए, जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, सेम रो टू रो फोर रो सिक्स के जैसा ही बुनना है। देखिए ये डिजाइन जस्ट एट रोज का है, इन्हीं एट रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है, अब यहाँ से फिर रो वन स्टार्ट करना है, देन रिपीट करके जाना है रो वन से रो एट तक, जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।